चलो चाय पी लो, बाहर जाना है ना। तो हम चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद हम बाहर जाएंगे थोड़ा सा। आज तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, अभी तो वो घूमने जाएंगे मेरे साथ, ये तय हुआ है। सुबह से एग्ज़ाम देने के बाद, ख़त्म होने के बाद घूमने जाएंगे। तो जीव और मैं अभी चाय पीने के बाद घूमने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम तो फाइनली रेडी हो गए हैं और ये देखो जीव तो अभी खड़ा है। आज एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, आज तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आज वो हमसे क्या मांगेंगे और क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो उसने बोला मम्मी मनी बैग के अंदर पैसा लिया है, तो मैंने बोला ठीक है लिए है। तो चलिए जाते हैं और वो क्या क्या खरीदते हैं वो भी देखते हैं। उसका पापा नहीं है अभी, तो थोड़ा सा ट्यूशन गए हैं, एक बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखो हम तो निकल गए हैं बाहर जीव को लेकर, अभी पैदल से जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा भंसा पोल आए हैं, यहाँ का हवा खाने के लिए पानी थोड़ा सा कम गया है, इसलिए जीव को लेकर आए हैं। अंधेरा हो गया है तो जूते खरीदना है, इसलिए जूते का दुकान आए। उसका चप्पल नहीं है, घर में पहनने का जो चप्पल है। तो अंकल उसका साइज़ का दीजिए, ये तो उसका साइज़ का नहीं हो रहा है। तो चलिए एक जूता तो चॉइस हो गया है, उसको ले लिए है। तो फ्रेंड्स मैं तो आ ही गया हूँ। तो देखो अभी मैं आईब्रो करने गए थे, तो थोड़ा सा जिम को लेकर गए थे और पार्लर सामने ही पड़ गए थे। तो मैंने सोचा आईब्रो कर लूँ। और उसका दो चप्पल ख़रीदे हैं और वो कुछ नहीं ख़रीदे हैं, क्योंकि मम्मी ने तो बहुत सारे चीज़ उसको भेजे हैं, हर कितने सारे चॉकलेट्स है। अभी वो थोड़ा सा टिफिन करेंगे। मैंने तो देखा दुकान में ये था, ये उसका जूते हैं, दो चप्पल खरीदे हैं। देखो जूते के जूते का बहुत ही शॉर्ट हो गए थे, जूते हैं लेकिन उसको पाँव के पैर के साइज़ में नहीं हो रहा है। और देखो और ख़रीदा बैगन और डार्मस्टिक, इसको देकर थोड़ा सा कल सुबह सुबह झोल बनाएंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, घर चले आए। तो चलिए हल्का सा टिफिन करते हैं। वो तो बहुत दूर गए थे मेरे साथ, उसका भी भूख लग गया है और उसका पापा भी आए हैं। तो चलिए गर्मा गर्म चाय भी बनाते हैं। किचन में क्या कर रहे हो? हाँ, कच्ची कच्ची चीज़ को मुंह में ले रहा है। तुम्हारा पेट में दर्द होगा, मेरा दर्द होगा? देखते हैं क्या खाते हैं। ये है कच्ची वाली जो साबू है ना, आज तो मैं व्रत रखा हूँ और साबू अभी खाएंगे। तो इसके थोड़ा सा 5 मिनट पहले अगर भिगा कर रख देंगे ना, तो ये अच्छे से नरम हो जाते हैं। और ये देख कर, ये देखो आ रहे हैं और खा रहे हैं, तुझको तो मैं अभी पीटा। अंधेरा हो रहा है, घुसने का जगह नहीं है। हाँ करो। देखो घर कितना सुंदर है, खाने का चीज़ नहीं है और दिन ब दिन चीज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तो पूजा है और पूजा में तो बहुत सारे चीज़ अभी खरीदना बाकी है। मेरे कपड़ा खरीदना बाकी है, मेरा सासू माँ का बाकी है। आप लोग कमेंट किया है कि मेरा कपड़ा देखने के लिए, अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, फिर मैं जाऊँगी कपड़ा खरीदने में। तो देखते हैं जीव का पापा कितना पैसा मुझे देता है कपड़ा खरीदने के लिए। एग्ज़ाम तो खत्म, सुन रहे हो? हाँ, बोलो ना। जीव का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, इसलिए तो छुट्टियाँ है। वो छुट्टियाँ है? नहीं नहीं, वो बात मैं नहीं आपसे बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि सुनिए ना, कब मुझे सब पूरा बोलना पड़ेगा क्या? कब मुझे पैसा दोगे? किसलिए? किसलिए बोलो तो जरा।
किस लिए फिर बोलना पड़ेगा? मैं कैसे समझूं? मम्मी का कपड़ा खरीदेंगे। कपड़ा के लिए? हाँ हाँ, मेरा नहीं, मेरा मेरा तुम्हारा मम्मी का। मेरे तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम्हारा है? मेरा सिर्फ मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए। तो हम जाएंगे दुकान। आप कितना पैसा के दोगे पहले बोलो। कितने लगेगा तो बोलो। बोलो ना। कितना? और इसके लिए, इसके लिए भी। हाँ मैं समझ लिया। कितना लगेगा? फिर 10,000 लगेगा। दस हजार दिनों के बाद देंगे। हाँ 10,000 दिनों के बाद देंगे। एक एक रुपया पर डे मैं जमा करेंगे। फिर 10,000 जब पूरा हो जाएगा तब तुमको दे देंगे। ओके, इसका बहुत खुशी। मेरा बात कुछ समझ लिया? इसके मतलब 10,000 दिन मेरा नहीं होगा, मेरा कपड़ा नहीं होगा। हम तो नहीं देंगे, तो मैं आपको नहीं बोला। तो कब देंगे? 10,000 दिनों के बाद एक एक रुपया को हम जमा करेंगे। तो बात ये हुआ कि वो हमें नहीं देंगे। नहीं देंगे आप लोग भी। 10,000 दिन ये बोलने का मतलब क्या है? यानी कि मेरे साथ वो बदतमीज कर रहा है। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले हम 20,000 रुपया दिए। 20,000? हाँ 20,000। वो तो खाना पीना नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन तो फिर तो एक साड़िया दुकान में जाएंगे तो 1-2-3 तो 1,000 में ही साड़ियाँ हो जाएगा। ये तो नहीं ले लेंगे ना। आज कितना डेट? कितना? 15 सितंबर। कल हम घर जाएंगे। कल घर जाएंगे तो कब के नहीं खरीदेंगे? आप लोगों को नहीं बोला कि कल हम घर जाएंगे। शनिवार छुट्टियां है या नहीं है आप ठीक से जाने तो उसके बाद मैं घर के लोगों को बोलूँगी। शनिवार छुट्टियां है, कल हम लोग टीचर वाले लोग लीग हो रहा है होते हैं। और कल सियोर होंगे, कल सियोर होंगे। छुट्टियां है कि तो हम तो आपके पहले निकल जाएंगे। जाओ ना, मैं वो तो सैटरडे है, हम स्कूल करके जाऊंगी। तो ये तय हुआ, मैं और जीऊ सुबह सुबह निकल जाऊंगा। और खाना तैयार होंगे, खाना तैयार के बाद उसको पापा खाना खा कर बाहर हो जाएंगे। उसके पापा जाएंगे, उसके पीछे पीछे मैं और जीऊ निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और देर करेंगे तो उसके पापा के साथ जाना पड़ेगा। तब तो रात हो जाएगा, बस का प्रॉब्लम हो जाएगा। और विश्वकर्मा पूजा भी है, और विश्वकर्मा पूजा होने के लिए बस तो अभी बंद रहेगा। तो चलो अभी तो रात का खाना पीना करना है, इसलिए खाना भी तैयार करना पड़ेगा। क्या कर दें? हम तो चावल खाएंगे नहीं, भीगे हुआ चावल है। सो में काम करो, मेरा जो फ्रूट्स है शाम के साथ खाएंगे तो उसको थोड़ा सा। तो ये देखो, एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है और एक तरफ साबू बन रहा है। और जीव को पापा का तो मैंने बोला कि थोड़ा सा मेरा फल को फ्रूट को रेडी कर दो, तो फ्रूट को वो नहीं रेडी करने का टाइम मिला, वो तो फोन को लेकर व्यस्त है। तो खजूर और चेरी था। तो रात में तो इतना ज़्यादा फ्रूट मैं खा नहीं पाऊँगी, एसिडिटी हो जाएगा, इसलिए साबू के साथ दूध के साथ ये फ्रूट खा जाऊँगा। ये तो मम्मी ही भेजे थे, तो ये भिगा कर रखे थे, तो होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा शक्कर और नमक डालकर, दूध डालकर इसके तो हम खा जाएंगे, भूख लगा है बहुत। व्रत रखकर जीव के लिए बाज़ार गए, चप्पल खरीदा, और बाहर तो बहुत दूर है यहाँ से। तो ये करते करते थोड़ा सा वीक भी लग रहा है, खा नहीं पाया। बहुत बदतमीज़ हो, बात नहीं करने देते। चुपचाप खा लो ना, दूध पी लो, देर हो रहा है। ये देखो मेरा खाना तो बिल्कुल रेडी हो गया है।
और फ्रूट भी यहाँ पर दे दिया है। इसको ठंडा होने के लिए समय देना पड़ेगा, तो चलो ये ठंडा होने तो समय देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, नींद तो आ गया, जीव का खुशी में नींद आ रहा है। कल को घर जाएंगे, घर के लोगों को फ़ोन किया और बोला विश्वकर्मा पूजा है, उसका अंकल का टोटो है, उसको धुलाई करेंगे शैम्पू देकर। कितना शैम्पू लगेगा वो हम खरीद के ले जाएंगे। कितना बोला कितना शैम्पू? एक सौ शैम्पू देकर वो टोटो धुलाई करेंगे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। घर जाने का बात हुई तो बहुत खुशी हो गए यार, छिड़ तू। तो फ्रेंड्स आज तो वीडियो यहाँ तक। टाटा, गुड नाइट। टाटा, गुड नाइट। थैंक यू टाटा।